हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हिंदी का एक प्रैक्टिस सेशन करते हैं। लगभग 25 से 30 प्रश्न आपको कराएंगे। हिंदी मैच कल तैयारी की तरफ से कोशिश रही है अपनी टॉप क्वालिटी की प्रोवाइड कराने में। जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें रखी गई हैं, UKPSC और UPPSC पॉलीटेक्निक लेक्चरर में जिन लोगों ने इसको ब्लाइंडली तो नहीं कहेंगे, रेगुलरली फॉलो किया है, उनको हेल्प मिली है और बहुत हेल्प मिली है। खर शब्द का निम्नलिखित में से एक का अर्थ नहीं है। गधा, तिनका, बाण, राक्षस। गधा, तिनका, राक्षस, ये तीनों खर शब्द का अर्थ है। बाण का अर्थ खर नहीं होता है, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। कवि का स्त्रीलिंग कवि इत्री होता है। सही तरीके से लिखने का तरीका ये है, डी पार्ट। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। आँखों में गढ़ना मुहावरे का अर्थ है। ये प्रश्न मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आँखों में गढ़ने को सही शब्द निकालने में यहाँ ये तीनों ऑप्शन गलती करने के लिए पुकार रहे हैं आपको। लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो आयोग ने माना और जो सच में है, वो है वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना, वो आँखों में गढ़ना है। जैसे कोई चीज़ हमको पसंद आ जाए, वो घड़ी मेरी आँखों में गढ़ रही है, मतलब मैं उसको चाह रहा हूँ, अब उसको ले नहीं पा रहा हूँ, एक अलग बात है। वस्तु को पाने की जो उत्कट लालसा रखना है, वो आँखों में गढ़ना मुहावरे का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उन्मूलन का विलोम है। ऑप्शन से अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उन्मूलन का जो विलोम होगा वो रोपण होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। प्राण जो है वो सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, ये मैंने पहले भी एक दो वीडियो में बताया है। प्राण इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? ये भी थोड़ा विवादित प्रश्न है, चूँकि ये प्रश्न ही गलत दिया है। यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पे जो ऑप्शंस आप देखेंगे, लड़का भूख से अधमरा हो गया था, इसमें कर्मधारय समास है। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। भला बुरा आ रहा है तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, यहाँ पे ऊंच नीच में द्वंद्व समास आएगा। उठो, दिया बत्ती का समय हो गया, यहाँ पे भी द्वंद्व समास है। तो इन तीन में द्वंद्व समास है, इस एक में कर्मधारय है। अगर पूछा जाए नहीं है, तो BCD तीनों ऑप्शन होंगे। ये तो वन ऑप्शन करेक्ट होता है। तो इसमें एक्चुअली में पूछा गया कर्मधारय समास है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा लड़का भूख से अधमरा। अधमरा में कर्मधारय है, तो इस प्रकार से इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। वाकजाल का संधि विच्छेद पूछा है। वाक धन जाल होगा। ये व्यंजन संधि है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? तटिनी, त्रिपदगा, तरंगणी, निम्ना। तटिनी, निम्ना, तरंगणी, ये तीनों सरिता के हैं, जबकि त्रिपदगा जो है वो गंगा का पर्यायवाची है। वैसे गंगा एक नदी है, लेकिन गंगा का पर्यायवाची यहाँ पे रख दिया है, तो त्रिपदगा इसका सरिता का पर्यायवाची नहीं है। ये प्रश्न PCS प्री के CSET पेपर के ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं, जिनके लिए सिलेबस वही है जो आपके UPPSC AE में है। आपके 25 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन इन जनरल साधारण रहते हैं, और 10 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत लेवल ठीक ठाक से बेहतर रहता है। तो उन 15 क्वेश्चंस को जो सिमिलर रहे या नॉर्मल रहते हैं, उनमें ये क्वेश्चंस मदद करेंगे। दिखने में आपको हमेशा लगता है कि ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो वही सरल क्वेश्चन किसी न किसी कारणों से गलत हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करने में जो चीज़ें सरल लगती हैं, उनकी गलती को बचाना ही सिलेक्शन को लेने की प्रथम प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। खैर, आगे बढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, इसमें गलती मत करिएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो ही भेद हैं, एक सकर्मक, एक अकर्मक। कुछ लोग कहते हैं कि द्विकर्मक क्रिया भी क्रिया के भेद होता है। नहीं, द्विकर्मक एक अन्य रूप में प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। यारा लावा क्या है? यारा लावा आपको पता है, अंतस्थ व्यंजन है। साखे साहा पूछा जाता तो ऊष्म व्यंजन हो जाता। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। पूजनी अशुद्ध है, पूजनी का शुद्ध होगा पूजनीय। कवित्री में वा में ई छोटी की मान नहीं लगेगी। तदुपरांत नहीं, तदुपरांत होगा, तदुपरांत। अंत्याक्षरी सही लिखा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 76 का ए हो जाएगा। लेट्स मूव फर्दर। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द नहीं आता? द्विज माने ब्राह्मण भी होता, पक्षी भी होता, दांत भी होता, विदेह नहीं होता है, तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? आजन्म या यथा या आ आगे लग जाए कोई चीज़, आजन्म, आ जन्म, मतलब जन्म से लेकर, यथा लग जाए, तो वो अव्ययी भाव समास होता है। आजन्म में अव्ययी भाव होगा जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि राजकुमार, यज्ञवेदी और ग्रामवासी, ये तीनों तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सहनशीलता की सीमा टूट जाना, उसको बोलते हैं सिर से पानी गुजर जाना। यार, तुम्हारी
जो हरकतें हैं उनसे देखकर सिर से पानी अब ऊपर जा रहा है, मतलब अब इससे ऊपर सह नहीं पा रहे हैं। ग्रस्त का विपरीत, किसी चीज़ से ग्रस्त हो गए, किसी चीज़ से मुक्त हो जाओगे, तो ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द जो होगा मुक्त सुप्त लुप्त ग्राह में मुक्त होगा, करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, जब किसी से दूसरे से हम कोई कार्य करवाते हैं तो वो प्रेरणार्थक क्रिया में आता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, यह क्यों आगे लगा रहे हैं। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, संपूर्ण और देश भर भी लगा दिया, देश भर में निराशा छा गई, संपूर्ण देश में निराशा छा गई, दोनों चीज़ें तो लगी नहीं सकती, करेक्ट हो गई, इनकरेक्ट हो गया। भाई ने भाई के साथ सलाह की, भाई ने भाई के साथ सलाह की तो नहीं सही होगा, भाई ने भाई को सलाह दी, भाई भाई के साथ सलाह की, तो ये इनकरेक्ट हो गया। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, हाँ कृपया पत्र का उत्तर जल्दी दें, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, व्यवहारिक गलत लिखा है, व्यवहारिक होता है, या में बड़ा की मात्रा लगती, अधीन होता है, मिष्ठान होता है, ये तीनों गलत हैं, अत्यधिक सही लिखा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पुष्कर माने क्या होता है, तालाब, और पुष्कर माने और क्या होता है, आकाश, पिछली बार UPSC यही में पूछा गया था, यही में पूछा गया था, लेक्चरर में पूछा गया था, पुष्कर माने तालाब और आकाश होता है, मरीच, रश्मि और दीप्ति ये तीनों किरण के पर्यायवाची हैं, तो करेक्ट ऑप्शन पुष्कर होगा। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें नंबरिंग से कन्फ्यूज मत होइएगा, डिफरेंट डिफरेंट ईयर के क्वेश्चन हैं, तो हमने वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया एक तरीके से। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, कुमुदिनी, कुमुदिनी होता है, ये करेक्ट है। किस शब्द में गुण संधि है, हिमधन आलय हिमालय, दीर्घ संधि, तत्धन लीन तल्लीन, व्यंजन संधि, इतिधन आदि इत्यादि, यण संधि, देवधन इंद्र देवेंद्र, गुण संधि। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बहुत पूछा जाता है, अनुधन अय मिलके अन्वय बनाता है, अनुधन अय मिलके अन्वय बनाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, रजनी विभावरी निशी शमीर, समीर माने तो हवा होती है, तो ये रात का पर्यायवाची नहीं होगा, रजनी विभावरी और निशी रात्रि के पर्यायवाची होंगे। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, मृगेंद्र माने सिंह या शेर होता है, शार्दुल माने सिंह या शेर होता है, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शार्दुल हो जाएगा, बाकी नहीं है। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, ये प्रश्न बहुत ही टिपिकल होता है मेरे हिसाब से, इस बार पिछली बार पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी ये प्रश्न आया था, मोस्टली लोगों के गलत हो गए, वो यही नहीं समझ पाते पूछ क्या रहा है, वो ये कह रहा है ये चारों ऑप्शन दिए हैं ना, इनमें कोई किसी एक ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें एक चीज़ तत्सम नहीं होगी या दो चीज़ तत्सम नहीं होगी, कर्म विद्या दोनों तत्सम है, मत्स्य मृग उनका आपस में मिलना जुलना इससे कोई मतलब नहीं है, ज्ञान क्षेत्र ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, दधि और भात में, भात तत्सम में नहीं आता है, भात तद्भव में आता है, सही बोल रहे हैं ना, भात तद्भव में आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। तो ये क्वेश्चन हमने आपके सामने रखे और कमेंट बॉक्स में भात का तत्सम जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कुछ लाने की कोशिश करेंगे, जियोग्राफी के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, और